चल दया उतार अभी। तेरे लिए हमने गरबा किए, 10,000 की लूम फोड़ी और क्या करे भाई, चल उतर जल्दी अभी। जीजा जी, शायद लैबा भी ये चाहती कि आप जाके कार का दरवाजा खोले। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं दरवाजा खोल देता हूँ, उसमें क्या। रुकिए बाबा, मैं खोलता हूँ। अरे बेटा सुना सुना नहीं, मम्मी ने क्या कहा, पपिता आंटी ने क्या कहा, मम्मी चाहती है कि मैं उनके लिए दरवाजा खोलूं, है ना बराबर। तो ठीक है, दोनों साथ में दरवाजा खोलते हैं। आजा 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 रेडी 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 1 2 3। अरे अरे दरवाजा लॉक है, लॉक तो खोल दे यार। क्या पलटे, पक्का तू क्यों उतरा? मैं जहाँ बैठा था वहाँ आके अपना दरवाजा खोला तो मैं उतरूंगा ना। अच्छा मतलब दया वो दरवाजे के पास बैठी है। ओके ओके। मम्मी इधर बैठी। दया आजा। अरे दरवाजा लॉक है दया, खोला लॉक खोला। अरे सुंदर भाई, अरे तू उतरा भी यहाँ से। अरे मेरे बाजू का दरवाजा खोला गया तो मैं ही उतरूंगा ना जीजा जी। तो दया कौन से दरवाजे के पास बैठी है? अरे माय डियर जीजा जी, पहले हैप्पी दिवाली। अरे खुश रहे खुश रहे। अरे मामा भाई, इतना क्या भाव खा रही है, चल बाहर निकल अभी। अच्छा पापा चल तेरे लिए दरवाजा खोलता हूँ बस। So cute. आजा चल। आइए पधारिए। यारो कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार, कांच बहुत ज्यादा काले। हाँ।
पर दया कहाँ है? तुझसे पूछ रहा हूँ, दया कहाँ है? फंसा ये फंसा ये सुंदर फंसा, फंसा ये फंसा ये फंसा ये फंसा ये फंसा ये फंसा। मैंने कहा था ना, मेरा सेक्शन गलत नहीं है। सवाल नंबर दो, सुंदर तो आएगा लेकिन दया भाभी को साथ लाएगा? कहाँ है मतलब? क्या? वो गाड़ी में नहीं है? गाड़ी में नहीं है बाबूजी? अरे बाप रे, इसका मतलब दया भाभी इस बार भी नहीं आई? क्या? सुंदर ये गलत बात है। देखा, मैं ना कहती थी मेरी बाई आ। भाभी जी कुछ मत बोलिए वरना बिल आपके नाम पे फटेगा और सेठ जी हम पे गुस्सा करेंगे। एकदम चुप हो जाइए, एकदम चुप। ए सुंदर, तूने वचन दिया था ना कि इस दिवाली हमारे घर का दिया दया बहू ही प्रज्वलित करेगी। अरे दादाजी डोंट वरी, सुंदर मामा हम सबके साथ प्रैंक कर रहे हैं। हाँ मामा, क्या कर रहे हैं? मजाक मजाक कर रहे हैं। क्या सवाल नंबर दो का जवाब? मजाक कर रहे हैं, प्रैंक। मैं समझ गया यार, वो ये मजाक का माहौल बनाने के लिए सुंदर पुराने दया भाभी को गेट पे उतार दिया। अच्छा, है ना सुंदर प्रा? क्या मामा, आप भी, आपने तो हमें डरा दिया था। मस्ती खोर सुंदर भाई। हाँ ऐसे टाइम में कोई मजाक करते क्या सुंदर भाई? मम्मी मम्मी टपो, रोक रुक जा। तेरा मामा कोई मजाक नहीं कर रहा है। क्या मतलब? तेरी मम्मी अहमदाबाद से आई ही नहीं है। आई ही नहीं है। क्या? आप रे, क्या ये सच है मामा? सुंदर भाई, मतलब आप मम्मी को अहमदाबाद से अपने साथ नहीं लेकर आए? सवाल नंबर दो का जवाब भी गलत निकला।
जेठा जी, जेठालाल, जेठा भाई, जेठालाल, तारक जेठा भाई को रोकी कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। जेठालाल, जेठालाल, जेठा भाई, सुंदर, 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 उत्तरी, जेठालाल, जेठालाल, रुक जा, रुक जा। तुम सोसाइटी में ऐसे मारा मारी नहीं कर सकते, एक सेक्रेटरी का ऑर्डर है। निवेदन, निवेदन, ए गलती से ऑर्डर निकल गया, निवेदन है भाई, तुम ऐसे बांबू से मतलब मारा मारी नहीं कर सकते भाई। अच्छा ठीक है, सेक्रेटरी ना से एक मित्र की बात तो सुन लो। कौन मित्र? ऐसा ना कर दे जेठालाल, मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ। नहीं, अगर तुम्हारा सच्चा मित्र है तो जा, एक और ऐसा बांबू ढूंढ के और यह सुंदर की पिटाई करने में मेरा साथ दे। जीजा जी, पहले मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तू अभी कुछ नहीं बोलेगा। जो बोलेगा ये बांबू बोलेगा। जेठा ब्रा, खूबी, अगर तूने सुंदर को बचाया तो तुझे रोशन पापी की कसम। सॉरी सुंदर ब्रा। पोपड़ में, पोपड़ में, आप मुझे बचा लीजिए। आपको आपके छाते की कसम, आप जीजा जी को रोक लीजिए। जेठालाल, जेठालाल, सॉरी सॉरी जेठालाल, सुंदर ने मुझे छाते की कसम दी है, मुझे तुम्हें रोकना ही पड़ेगा। ओ पटलाल, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा छाता और तुम दोनों सही सलामत रहो तो जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। चलो जाओ। अय्यर भाई, हाथी भाई, बेटा साहब, कोई तो मुझे बचाओ। कोई बीच में नहीं आएगा अय्यर भाई। तारक, आपका सिक्स सेंस सही था, दया भाभी नहीं आए। काश मेरा सिक्स सेंस गलत होता और दया भाभी आ जाती तो आज मेरा परम मित्र इतना दुखी नहीं होता। आपके सवाल सही थे। माँ देखा बागेश्वर जी,
मेरी बाई आग पड़क रही थी और जिसका मुझे डर था वही हुआ। ये अंधविश्वास नहीं है। भावरी धीरे बोल, वरना सेठानी जी का नहीं आने का बिल तेरे नाम पर फटेगा। हाँ भावरी जी, और सेठ जी के निशाने पर सुंदर भाई नहीं हम होंगे। देखो देखो जीता जी ने मेरी जान तोड़ा। मेरे पास तो बैलेंस ही नहीं है। नहीं 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 जेठा अंकल, तारक जेठा भाई को समझाइए ना। लीव आज किसी के समझाने से नहीं समझने वाला है। ओ करे, मुझे नहीं लगता जेठा भाई सुंदर भाई को छोड़ेंगे आज। ओ गॉड, जेठा भाई का इतना गुस्सा आज पहली बार देखा। क्या चल रहा होगा अंदर? ये क्या, दिवाली के दिन गोकुल धाम में 1000 वोल्ट का झटका? ये कैसे हो गया? मतलब अब दिवाली के दिन पटाखे लेकर आते और फिर अनार जलाते और वही अनार जलते जलते बीच में फुस हो जाता है। हमारी खुशियां भी ऐसे ही बीच में ही फुस हो गई। लेकिन अब जेठालाल का गुस्सा रस्सी बम की तरह फटने वाला है। भाई जिस तरह से रेस में घोड़ा दौड़ता है, कमान से तीर छूटता है, वैसे ही जेठालाल बंबू लेकर सुंदर के पीछे पड़ गया है। भाई सुंदर को लेकर जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना, उसी बात का मुझे टेंशन था और वही हुआ। या मतलब सुंदर ने वचन दिया था कि दिवाली के दिन दया भाभी गोकुल धाम में आने वाली है और अपने ही हाथों से अपने ही घर पे दिया प्रज्वलित करने वाली है। लेकिन सुंदर ने जो वचन दिया था ना, उसे नहीं निभाया। ये किस तरह की दिवाली है भाई, मतलब अजीबोगरीब पटाखे फूट रहे हैं। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। सुंदर ने अपना वचन क्यों नहीं निभाया? दया भाभी क्यों नहीं आई? सुंदर की इस हरकत के वजह से कहीं जीजा साले के रिश्ते में दरार तो नहीं पड़ जाएगी? सुंदर की क्या मजबूरी रही होगी, क्या कारण है? सबसे बड़ा सवाल, जब सुंदर दया भाभी को लेकर ही नहीं आना चाहता था तो अहमदाबाद से मुंबई आया क्यों? भाई सवाल तो बहुत सारे हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सोमवार के एपिसोड में। हंसी और ठाकों से भरा एपिसोड देखने के लिए यू ऑल आर वेलकम। तो भाई मैं भी परेशान हूँ, किसी को कुछ नहीं पता। हमें नहीं पता कि यहाँ पे दिवाली मनेगी या नहीं मनेगी, लेकिन आपके घर पर हंसी के रॉकेट ही छूटेंगे। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आपने दया भाभी को साथ नहीं लाकर बहुत बहुत गलत किया है। चेटा भाई, टप्पू, चाचा जी और हम सब भी इतनी खुशी और उत्सुकता से दया भाभी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुंदर भाई, आपने ये बहुत गलत किया है। देखा देखा देखा, तेरी वजह से बापूजी में और टप्पू ही नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी दुखी है। सुंदर मामा, आपने अच्छा नहीं किया, आपने हमारा दिल तोड़ा है। आज के बाद मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। शाबाश। ए माय डियर भांजे, तू ऐसा ऐसा पत्थर दिल मत बन जा भांजे। आप हो पत्थर दिल।